महापुरुषों ने लिखा है, दो वस्तु ऐसी है साहब जिनके लिए प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास के ये दो वस्तु मिलती ही नहीं है। धन आप चाहो तो बिना प्रयास के, कई लोग बैठे बैठे कमा रहे हैं साहब, गद्दी पे बैठे हुए कई है ऐसे, बिना कोई काम नहीं करे सुबह से शाम तक वे एक गाड़ी पे बैठे हैं और सुबह से शाम तक वे 1,000-10,000 रुपया छाप दी, वो लोग उल्टा देके जाए, कोई मेहनत नहीं। देखना कई है, टीवी पे कई लोग आते साहब, उन्हें कि 1,000 का तो 2,000 का तो 5,000, उनकी ये करे कही नहीं, केवल देखो तो इनका दिमाग तो देखो साहब। बिना प्रयास के कमा लेते कई लोग, बुद्धि की क्यों, कई लोग में साहब कोई प्रयास नहीं किया, कई पढ़े ना लिखे पर उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है, वो भी बिना प्रयास के मिल सकते। संसार की हर वस्तु, यहां तक महापुरुषों ने लिखा है, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है साहब, सब वस्तु बिना प्रयास के सुलभ हो सकती है, केवल दो चीज ऐसी लिखी उनने जिसके लिए प्रयास करना पड़ता है, एक मां के दूध के लिए और दूसरा दयालु के लिए। पूछ लो ये माताएं बैठे बहने बैठी ईमानदारी से, दूध कब दे, वो रोए तब कि हंसे तब, कब देगी वो? मां के पास दूध है और वो कह रही है मैं इसको दूध दे दूं, पर उस बच्चे ने कही ए दूध चाहिए, हाँ दूध चाहिए, तो फिर तेरे को प्रयास करना पड़ेगा। उन्हें कि मैं हाथ छोटा सा, मेरे हाथ चले नहीं, पांव चले नहीं, मेरे से उठते बने नहीं, बैठते बने नहीं, तो उन्हें कि रोते तो बने, उनकी हाँ रोते तो बने, उनकी मार एक किलकारी जोर से, उनकी उससे क्या होगा, मेरी माँ तो इसे मैं काम में लगी है, चौका में रोटी बने, अरे तू मार तो, माँ आएगी देख तू अजमा के दे। और ये माता बहन जानती, देखो आटे में हाथ है, रोटी बेल रही है, सब्जी गैस के ऊपर रखी है साहब, सब्जी जलने का भय है, पति के लिए टिफिन तैयार करना, पर उसी समय उसने एक कीक मारी, अभिमानदारी से आप माताएं बहनों जवाब देना, रोटी सब्जी तरफ देखोगी कि वो कीक तरफ देखोगी? जो उसने एक रोना शुरू किया, जो मचला, साफ छोड़ छाड़ के आई और तुरंत अपने सीने से लगा। आप इससे समझना साहब, जब बिना प्रयास के एक बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता तो बिना प्रयास के वो दयालु कैसे मिलेगा साहब? एक प्रयास ही तो किया था उस जटायु ने, और क्या किया था साहब, वो बेचारा गीद मांस खाने वाला, पर उससे राम जब आए उसके पास और राम की गोद में वो बैठा, वो जटायु गीत गोद में है राम की, और राम ने उससे की भैया जटायु तू रावण के बारे में नहीं जानता था रे कि रावण कितना बलवान है? जटायु की मैं दादा सब जानू, अरे तो जानू फिर उससे भिड़ा क्यों, क्या जाने तू रावण के बारे में? राम वो त्रिलोक विजयी है रावण, जटायु कह रहा है उसका मुकाबला इस धरती पे तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तू जानता है? हाँ मैं जानता हूं, पर भले आदमी फिर तू उससे लड़ने गया क्यों? पर वो जटायु बहुत अच्छी बात कहता है, राम मैं जानता था कि मैं रावण से नहीं जीत पाऊंगा, पर मेरे राम मैंने एक प्रयास किया, और मैंने ये सोच के प्रयास किया कि अगर मैं जनक नंदिनी को बचा लेता हूं तो भी राम मिलेगा, और अगर मैं नहीं बचा पाता हूं और जनक नंदिनी के बचाने के कारण अगर मेरे प्राण भी निकलते हैं तो भी मेरे को राम मिलेगा। अगर मैं बचा लेता तो भी,
तुम मिलते और नहीं बचा पाया, इस घायल अवस्था में पड़ा हूं, तो भी मेरे राम तुम मेरे को आज प्राप्त हो गए। आप एक बात बताओ, अगर जटायु रावण से नहीं लड़ता तो क्या राम मिलता? वो सोच रहे थे, बहुत से लोग बैठे थे, कई बैठे थे साहब, वहां देखने वालों की कमी थोड़ी थी जंगल में जब वो रावण लेके जा रहा था, पर केवल एक उठा और उसको लोगों ने रोका भी, अरे मत लड़े रे, वो रावण है, तेरे को समाप्त कर देगा, तेरे प्राण ले लेगा। उसने कही, मेरा काम केवल प्रयास करने का है, आगे फिर राम की इच्छा। आपसे भी निवेदन कर रहे, अपनी भक्ति में प्रयास बनाए रखना, रोज मंदिर जाना, तीर्थ में जाना, कथा में जाके बैठ जाना, जितनी हो सके उतनी माला फेरने का प्रयास करना, और जब नहीं बने उसके बाद उस दयालु के ऊपर आप छोड़ देना। ए दयालु, मैंने बहुत किया, मेरे से जितना बना उतना बना, जब तक शरीर से बने, आपसे निवेदन कर रहे, जब तक शरीर से बने, आंख से बने दर्शन करना, कान से बने कथा सुनना, पांव से बने तीर्थ जाना, हाथ से बने भजन करना, और जब शरीर साथ देना छोड़ दे उसके बाद फिर आखिरी में एक अस्त्र का उपयोग करना, और उस अस्त्र का नाम है जीवांसा। ये ब्रह्मास्त्र है। आप इतने भाई बहन बैठे, शरीर का हर अंग बूढ़ा हो जाता है पर कभी जवान बूढ़ी नहीं होती। कोई ने आज तक कहीं ईट खेड़ी में कि मेरी जवान बूढ़ी हो गई है? आपकी कह दी भैया, अब बूढ़ी आंखें रे नहीं दिखाए भैया, नहीं दिखाए कान, ओ बूढ़ा हो गया भैया, आप नहीं सुनाए, हाथ बूढ़ा, पांव बूढ़ा, शरीर बूढ़ा, बाल तक बूढ़े हो गए, पर यही वो सूरदास जी भी करते थे, जब तक उनसे बना तब तक वो रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते थे, और एक समय आया वो गए बिहारी के मंदिर में, और उनने कह दिया, बिहारी ये डंडा पटक दिया तेरे मंदिर में, अब मैं तेरे मंदिर में नहीं आऊं, उनकी कहाँ जाए। उस समय सूरदास ने कहा थे, अब जुबान से इतना भजन करूंगा कि मैं तेरे से मिलने नहीं आऊंगा, तू मेरे से मिलने आए। अब फिर इस पे बात आ गई, इसमें भी धार होती है, और ये की धार बहुत खराब है, इसकी धार सबसे ज्यादा खतरनाक है धार, इसलिए लिखा है कि शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। इसको थोड़ा तेज करो, संसार में तेज है लड़ने में तो कई की बहुत तेज है, गांव में एक दो है ऐसे हैं भैया लोग है, और एक दो ऐसी माताएं बहने भी गांव भर में फेमस है, और गांव भर के भैया अगर उनसे लड़ाई हो गई तो पूरा गांव एक तरफ और भी एक तरफ है, एक एक दो दो हर गांव में है, तुम्हारा गांव में हमारा गांव में सब गांव में एक एक दो दो है, पूरा गांव एक तरफ कर दो और वो एक दो महिला एक तरफ हो जाने में जीतन नहीं दे सा। अब कोई के क्यों नहीं जीतने दे रहे, उनकी धार तेज है, बच गई। बची है धार है उनकी, और धार चाहिए सा। आप विचार करो, बिना धार के आप कभी समझना, इससे बिना चाकू में धार के जब चाकू से सब्जी नहीं कटे तो बिना जवान के धार से हमारा पाप कैसे कटेगा? क्या चाहिए चाकू में? धार चाहिए। सुपारी भी काटो तो फिर के ए इमे धार नहीं है, चले नहीं है सरो तो है नहीं। करो पैदा धार, इसमें लड़ने की मत करना दादा,
नहीं तो उनने की पंडित जी कह रहे धार पैदा करो तब शुरू हो जाओ। अरे धार भी पैदा करो तो साहब वो धार पैदा करना जो मीरा ने करी थी। क्या थी उसके भजन में, क्या था उसके पास, बिचारी मीरा के पास क्या था? उसके परिवार वाले तो विरोध में थे और परिवार वाले उससे कहते मीरा तूने समाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, मायका ससुराल तूने सब छोड़ दिया, आखिर एक बात बता, तू चल जिंदगी तो निकाल लेगी, तेरी जिंदगी निकल जाएगी, कहीं मंदिर में बैठ के तू मांग के खा लेगी, कोई कपड़ा दे देगा वो पहन लेगी तू, पर मीरा एक बात बता कि चल जिंदगी निकल जाएगी पर तेरा मर्याबाद करेगा कौन? पूछा लोगों ने, क्योंकि उसने सबको छोड़ दिया था ना, परिवार समाज सब भाई बहन सब नाते सब छोड़ दिया और उसका केवल एक नाता था साहब, केवल एक नाता कि मेरा नाता केवल सांवरिया सरकार से है, उस सब छोड़ दिया उसने। उससे भी उसके रिश्तेदार पूछे मीरा देख जिंदगी निकाल लेगी पर तू ये बता तेरा मर्याबाद कौन करेगा, बुढ़ापा में तेरे को कौन हाथ पकड़ के ले जाएगा, कौन पानी देगा? मीरा ने की मैं बुढ़ापा ही नहीं आन दूंगी। तू कैसे कह रही बुढ़ापा नहीं आए, बुढ़ापा ही नहीं आएगा। चल रिश्तेदारों ने की चल तू बुढ़ापा नहीं आन देगी पर ये तो बता तू शरीर छोड़ेगी मरेगी तो तेरी चिता को आग कौन लगाएगा? मीरा ने के उकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे को आग की भी, मेरे को आग की भी जरूरत नहीं, लकड़ी लकड़ी की भी नहीं, कोई साड़ी की नहीं, कोई कफन की नहीं, कोई हार श्रृंगार की नहीं। अरे तो बोले तू मरेगी तेरे शरीर का होगा क्या, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, अगर शरीर का अंतिम संस्कार ना हो तो उसमें क्या पड़ जाए, कीड़े पड़ जाए, बदबू मारेगा वो शरीर, तो तेरा अंतिम संस्कार करेगा कौन? मीरा ने एक ही बात कही थी कि मैं इतना भजन करके जाऊंगी कि मेरे भजन में वो धार रहेगी कि मैं सा शरीर और गिरधर नागर की मूर्ति में प्रविष्ट हो जाऊंगी। लकड़ी जल कोयला भई ने कोयला जल भई राख, और मीरा मरी तो ऐसी मरी कि चिता जली ना आग सा। जली क्या मीरा की कोई चिता? क्या कोई ने आग दी? नहीं। किसी ने कांधा दिया? नहीं। किसी ने अर्थी बनाई? नहीं। सात शरीर ये क्या थी? उसके काय में धार थी, भजन में धार थी, वो केवल भजन करता।